अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास एक स्पेशल वीडियो है। मैं वैसे बोहिमिया का फैन हूँ। आज हम योयो हनी सिंह का गाना सुनेंगे। बोहिमिया और योयो हनी सिंह में काफ़ी लोग कंपैरिजन करते हैं, मैं भी करता हूँ, एंड आई प्रेफर बोहिमिया मोर। मतलब एक बोहिमिया फैन योयो हनी सिंह के गाने पर रिएक्ट करेगा, तो देखते हैं कैसा होगा। मॉस्को सूका, बड़ा ख़तरनाक नाम है वैसे। इसमें रशियन भी एक आर्टिस्ट है जिसने साथ ही गाना गाया है। मतलब एक कोलैबोरेशन है इंडिया और रशिया का, काफ़ी अच्छा है वैसे इंडिया के लिए। एक पाकिस्तानी फैन इस पे करेगा रिएक्शन। लेट्स गेट इनटू इट। प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल एंड लाइक। अगर रिएक्शन अच्छा लगे तब, अगर रिएक्शन ना अच्छा लगे तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है। फ्लोटिंग पिक्चर है। Cat. It's me, Neha. Neha ka kakad hai isme. Allah mamos ko suka. Starting to achhi hai. Allah mamos ko suka. Be brave with me. के अंदर ऐसे टेक्स्ट मुश्किल है, मुझे नहीं करना आता। चिट्टी लैम्बो होर की वखावा थोनू छड़ो रेंदो लाई मैं यार। हमारी इतनी औकात ही नहीं है कि मैं तुम्हें ये हर चीज दिखा सकूं। इश्क जवीना कदे मेरे वफा वफा सजा साला कड़ा नशा छड़ो फुद्दू गल्ला वीरे पैग पा पैग पा। क्या होता गट गट है नारू तो तू तो पकड़े कादा जट है मैं क्या दीख ला के पीले आजा गट गट है Everything's spinning. I'm waiting for news from you. Be brave with me. But still don't be. Oh, chala gaya. Everything's spinning faster. I'm waiting for news from you. Be brave with me. Yaar, ye editing to nahi kaise? नाइस। वैसे अभी मैं भी थोड़ा कंपेयर करता हूँ बोहिमिया और हनी सिंह को। हनी सिंह के गानों में लिरिक्स कम होती है और बीट ज़्यादा होती है, सही है, लेकिन वो बीट ऐसी होती है कि वो मतलब बंदे का अगर नाचने का दिन नहीं भी करता तो फिर भी उसके मतलब ऐसे ऐसे हाथ उठ जाते हैं। और बोहिमिया का जो गाना होता है वो ज़्यादा लिरिकल होता है, तो लिरिकल मतलब वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप लिरिकल म्यूज़िक को पसंद करते हैं या ऐसे म्यूज़िक वाले को जिसमें अंदर बीट और बेस और हर चीज़ हो। तो ये अपने ट्रैक पे जा रहा है बिल्कुल अच्छे परफेक्ट तरीके से, और बोहिमिया अपने परफेक्ट तरीके से जा रहा है। उसका अभी ये नया गाना आया था ये कोरोना वायरस पे, उस पर भी वो एक डेढ़ मिनट दो मिनट का मेरे ख्याल से गाना है, और उसमें वो लिरिक्स इतनी अच्छी है। वो मतलब एक सोसाइटी के लिहाज से सबको बता रहा है कि घर में रहो, और बाकी फैक्ट्स बता रहा है। तो
ये गाना भी अच्छा था इंडिया के लिए, वैसे ज़्यादा अच्छा है कि क्रिशियन उनके साथ कोलेबरेशन हो रहा है, टी सीरीज़ ने अपलोड किया है, 135 मिलियन सब्सक्राइबर्स तो काफ़ी अच्छी हाइप थी, एक बहुत बड़ी हाइप थी ये हनी सिंह ने ने अपनी वीडियोस में, अपने ट्विटर पे, हर चीज़ पे ये मतलब काफ़ी हाइप क्रिएट की हुई थी, तो उसके हाइप के लिहाज से गाना काफ़ी अच्छा है, लिरिक्स भी अच्छी है और नेहा कक्कड़ की आवाज़ पे आते हैं तो वो भी मतलब अजीब तरीके से, मतलब ऐसे कैसे कर सकता है एक बंदा दो तीन तरह की आवाज़ें, तो काफ़ी मुश्किल है। बाकी गाना अच्छा था, एक बोहेमिया फ़ैन का आपने रिएक्शन देख लिया है हनी सिंह पे, तो आई होप के, वैसे मैं हेटर नहीं हूँ और वैसे आई प्रिफर बोहेमिया, तो या आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो, आई होप यू लाइक इट, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल एंड आई मेक व्लॉग्स एज वेल, मैं कभी कभी व्लॉग बना लेता हूँ, कभी कभी रिएक्शन वीडियोज़, सो या आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।